हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फ्राइड राइस की रेसिपी लाई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक गिलास पानी और उसको मैंने उबालने रख दिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच सरसों का ऑयल। आप चाहें तो घी या रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मैंने एक कप चावल को जो है आधा घंटा भिगो के रख दिया था और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फ्रेंड्स, थोड़ा नमक जो है हमें जब हम फ्राई करेंगे उस टाइम भी डालना है, तो आप अपने हिसाब से नमक डालें। तो फ्रेंड्स देखिए, एक कप चावल जो होते हैं उनको मैंने पानी से निकाल लिया है, ये बासमती राइस है। अब हम इन चावल को भी इसमें ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें जो है चावलों को जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, आई मीन 90% कुक करना है, 10% जो है वो जब हम फ्राई करेंगे तब कुक हो जाएंगे। तो इसलिए आप चावलों का ध्यान रखें कि वो एकदम से पूरे ना गलें। और बीच में चेक करते रहिए, आप जो है अपने उंगलियों के बीच में रख के चावल को चेक कर सकते हैं, अगर वह आराम से टूट रहे हैं तो हम इसका मतलब वो पक गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने चावलों को निकाल लिया है, एक थाली में निकाल लिया है ताकि वो चिपके ना। और अब तो फ्रेंड्स, अब मैंने कढ़ाई रख दी है, अब उसमें हम फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने लिया है एक मिर्च हरा कटा हुआ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और ये थोड़ा हरा प्याज है, थोड़ा टमाटर कटा हुआ, 5-6 लहसुन की कलियाँ और एक प्याज कटा हुआ। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है आधा चम्मच, आप चाहे तो रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से फैला लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा पानी का छिटा आ गया था तो ये इसलिए हो गया, आप ध्यान से करें, इसको इस तरह से फैलाना है। और फ्रेंड्स, अगर लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छा है। अब मैंने प्याज और लहसुन को जो है फ्राई कर लिया था। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल बाहर मार्केट वाला टेस्ट आता है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे और फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम जो है अपने टमाटर को डाल देंगे इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हरा प्याज भी मैं डाल दूँगी, सॉरी फ्रेंड्स, वो मैं दिखाना भूल गई आपको। अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बीच में जगह बना ली थी ना, तो मैं इसमें इस तरह से डाला है इसको। और अब देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा हरा प्याज बचा के रख लिया था, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, तो आप हाफ ही डालें। यहाँ मैंने एक चम्मच सोया सॉस यूज़ किया है। दोस्तों, फ्राइड राइस बनाने में ये सॉस बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही जो है मेन टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ आधा चम्मच वेनेगर। ये वाइट वाला वेनेगर है, बट मैंने सोया सॉस वाले चम्मच का यूज़ किया तो इसलिए ये ब्राउन ही दिख रहा है दोस्तों। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बनाना ज़रूर। और अब मैं यहाँ पे रेड चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैं एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी और वीडियोस को भी देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसमें अपने राइस को ऐड कर लेंगे। आप अच्छे से मिक्स करें इसको। और दोस्तों, बनाइएगा इस रेसिपी को और बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है कैसी बनी है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपके पास ये चावल जो है जिसे हम डेली यूज़ में बनाते हैं ना खाने के लिए चावल, तो वो बच जाते हैं, उससे भी आप जो है इसको इस रेसिपी को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बासमती राइस यूज़ करने हैं, बचे हुए चावल से बना सकते हैं, तो बचे हुए चावल का बहुत अच्छा रीयूज़ हो जाता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, अब मैंने इनको 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और अब ये अच्छे से पक चुके हैं। भाप में जो है, जो ये थोड़े कच्चे थे, अब वो पूरा ये बन चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और अब ये जो बचा हुआ प्याज है, स्प्रिंग अनियन हरा वाला, इसको भी मैं ऐड कर लूँगी और फिर ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसका प्याज का कच्चापन है वो जो है दूर हो जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे राइस बने हैं हमारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आप भी